फिर चोर को 2 साल की जेल हो गई। चोर के साथ तो ठीक हुआ, लेकिन आपने मेरे को क्यों जेल में बंद रखा? मैंने कौन सी चोरी की है? तुम्हें कौन जेल में रखा है भाई? जेल नहीं तो क्या है? मैं सारे दोस्त घूमे लोना वाला दमन और मैं अपने बैठ के होमवर्क कर रहा हूँ। घूमना मानव होमवर्क करने का बहाना ना, चलो खत्म करो। अरे दीदी, मानव बाबा सही तो कह रहे हैं, देखो कितना थक जाते हैं पढ़ पढ़ के, बेचारी से तो जान है। और देखो अनु बिटिया को तो देखो, शक्ल में ही थकावट दिख रही है। और दीदी आपका भी तो देखो, वो देखो यहाँ पे आने लग गया, वो डार्क सर्कल आने लग गया है। ओह नो, बोलो ऐसे इतने जवान हो, इतनी जल्दी आने लग गया है, बुढ़ी लगने लग जाओगे। देखो आप सब कितने थके थके लग रहे हो, मैं तो बोलती हूँ ना सबको कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए, तो फिर सबको मजा आएगा। हाँ हाँ मम्मी, दीदी सही बोल रही है, दीदी तो है जो मेरा दर्द समझ सकती है। चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, मैं सारे दोस्त गए हैं। अच्छा ठीक है। और आपको पता है दीदी, वो जो शर्माइन है ना, लोनावला के लिए आज निकल ली, और जो गुप्ताइन है वो तो एक हफ्ते से कश्मीर में घूम रही है। दीदी आपको ये सब कैसे पता? हाँ हाँ तुम्हें कैसे पता? अरे दीदी आप ही तो सुबह भेजा था ना वो चाय पत्ती लेने, तो उसी टाइम में मिली थी उनसे, तो पूछी कि तुम्हारी मैडम कहीं नहीं जा रही, तो मैंने बोला अरे हमारी मैडम कुछ कम थोड़ी है, ये कश्मीर लोनावला थोड़ी जाती है, सीधा लंदन जाएंगी। अरे दीदी मेरा नाश्ता बना रहे थे आप? हाँ 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 बना ही रही थी, बन ही गया, लाती हूँ। सुबह से ही शुरू हो जाते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, बस दो तीन दिन आराम मिल जाए, लेकिन ये कंजूस औरत कहाँ इतनी आसानी से मानने वाली है। दीदी नाश्ता रेडी हो गया? हाँ लाई। कहने को बच्ची है लेकिन है तो पूरी बकरी, सुबह से मुंह चलाने लग जाती है। मम्मा हम लोग भी कहीं चलते हैं ना घूमने, मेरे सारे दोस्त गए। हाँ मम्मा मानव सही बोल रहा है, आपको पता है मेरी दोस्त रिया दुबई गई है, दुबई। अच्छा तो हम भी दुबई चले? नहीं 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 मैं थोड़ी बोल रही हूँ हमें दुबई जाना चाहिए, मैं तो बोल रही हूँ मनाली चलते हैं। अच्छा ठीक है, पापा से बात करती हूँ और कुछ सोचते हैं। अरे दीदी सोचने की क्या जरूरत है, अब साहब थोड़ी मना करेंगे, उनको भी तो छुट्टी की जरूरत है। तुमको बड़ा पता है किसको क्या जरूरत है। दीदी मुझे आपकी बहुत परवाह है, इसलिए मैं देखती हूँ ना आप रोज कितना काम करते हो, कितना थक जाते होगे, अब बोलो इतना काम करते करते एक दिन बीमार हो गए। Oh, no. तो ना 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 मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप सबको घूमने जाना चाहिए। अरे 2-4 दिन जाने की क्या जरूरत है, 10-5 दिन चले जाओ, 1 महीने के लिए चले जाओ, अच्छा रहेगा आप सबके लिए। अच्छा अच्छा दी लंच बनाना है क्या? हाँ 12 बजने वाला है, बनाना तो होगा ना। अरे नहीं आप साहब को कॉल करने वाले थे ना घूमने के लिए। अरे तो अभी थोड़ी ना जाएंगे, उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है चलेगा चलेगा, आप आज अपनी पूरी प्लानिंग कर लो, कल भी निकल सकते हो आप। हाँ मैं बनाती है लंच। दीदी नाश्ता? हाँ हाँ लो लो। हे गाइस, तो जिससे पहले आप आगे का वीडियो देखो, मुझे आपको एक अमेजिंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है जिसका नाम है बिनोमो। अब बिनोमो जो है दोनों प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, सो ऑब्वियसली लीगल है। अब बताओ लीगल नहीं होता तो बताओ ऐप स्टोर में अवेलेबल होता क्या? और गाइस आपको पता है आप इस ऐप के थ्रू हर रोज 1500 रुपीज से लेकर 30,000 रुपीज तक कमा सकते हो। इसमें अलग अलग एसेट पे आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज लाइक US डॉलर्स एंड यूरोस। प्लेटफॉर्म पे आपको बस करना होगा क्या, पहले आपको अपना एसेट फर्स्ट सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको देखना होगा फोकास्ट ऊपर जाएगा कि नीचे। तो गाइस ये आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो ये देखो गाइस अभी मैंने इसमें 700 रुपये डाल दिया है फोकास्ट अप पे, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस देखो मेरा फोकास्ट एकदम सही था। हाँ गाइज अब जो अपना जीता हुआ अमाउंट है आप उससे पेटीएम या तो बैंक में 24 आवर्स में विड्रॉल कर सकते हैं, एंड ध्यान से क्योंकि लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप मिनिमम 350 रुपीज से ट्रेड कर सकते हो, और अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 350 का डबल यानी 700 मिलेगा। हाँ गाइज अभी आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, डाउनलोड करो बिनोमो ऐप एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप हमारी लिंक यूज़ करोगे तो आपको अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज़ मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, सो गो डाउनलोड इट नाउ।
एंड नाउ गाइस एंजॉय द वीडियो। हेलो, अच्छा सुनिए ना, बच्चों का बड़ा मन है कहीं बाहर जाने का, तो कहीं चलते हैं ना 2-4 दिन के लिए। अच्छा अनु बोल रही थी कि मनाली चलते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं बच्चों को बोल देती हूँ तैयार होने के लिए। चलो मैं बच्चों को बता देती हूँ, खुश हो जाएंगे। अरे अभी तुम गिर गई थी ना, कहीं लगी तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं दी, चिंता मत करो, तो होता रहता है। चाय पियोगे? नहीं नहीं अभी चाय पीने का मन नहीं है। ठीक है। खुशी के मारे पैर ही तोड़ दिया मैंने। ये देखो ऐसे करते, मैं देखना जीतूंगी वहां से। अजय सुनो, अनु मानो, हाँ तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो और तैयार हो जाओ, हम लोग 5 बजे निकलने वाले हैं, बाहर जा रहे हैं। Yes! चलो अच्छा है, अब होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, फाइनली हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं। हाँ मजा आएगा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम बोल रही थी ना तुम्हें मनाली जाना है, तो हम मनाली जा रहे हैं। उधर तो स्नो भी रहने दो, हमें बहुत मजा आएगा, फिर हम लोग पकौड़े खाएंगे, बारिश होगी तो और मजा आएगा। अच्छा चलो तुम लोग तैयारी कर लो अपनी। ठीक है, कंजूस तैयार हो गई है। अच्छा सुनो कमला। हाँ दीदी। हम लोग सुबह 5 बजे निकलने वाले हैं, 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये भैया के कुछ कपड़े हैं, इसको जरा प्रेस कर दो। दीदी साहब मान गए, मैंने कहा था ना मान जाएंगे, अब उनको भी तो छुट्टी की जरूरत है। हम लोग जरा जल्दी निकलने वाले हैं ना, तो तुम 5 बजे उठ जाना और हम लोग के लिए थोड़ी सी चाय बना देना। 3 बजे ही उठ जाऊंगी मैं, 3 बजे उठ के मैं आपके नाश्ता पानी जो चीज सब बना दूंगी। अरे नहीं बाबा, नाश्ता इतना सुबह कौन करता है, सिर्फ चाय बना देना। ठीक है? ठीक है मैम साहब, चलेगा चलेगा। अच्छा ठीक है कर लो। कोई मुझे जंगली कहे, कहता है जो कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। याहू, कोई मुझे जंगली कहे, कहता है जो कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, अब हम क्या करें। याहू। दीदी आप बहुत खुश लग रही हो आज। हाँ दीदी क्या हुआ, आपके गांव में किसी और को लड़का हुआ क्या? नहीं नहीं किसी को लड़का नहीं हुआ, वो तो मैंने मामा जी का वीडियो देखा, बोलते कि हमें खुश रहना चाहिए, वो सिर्फ बोलते कि एक ही दिन खुश रहने का। नहीं नहीं रोज। ठीक है चलो मानव चलते, पैकिंग करना है। चलो। याहू, चाहे मुझे कोई जंगली कहे। निकलते हैं। बाय दीदी, संभाल के जाना, आपकी बहुत याद आएगी। अरे कमला दीदी, सिर्फ 7 दिन की तो बात है। 7 दिन? मेरा मतलब 7 दिन कैसे रहूंगी मैं आपके बिना दीदी, घर बहुत अकेला सा रहेगा। अरे कोई बात नहीं कमला, टेंशन मत लो, हम लोग बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, और हाँ मैंने घर में सारी चीजें भर के रख दी है, तुमको सिर्फ बनाना और खाना है, और घर का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ दीदी बिल्कुल चिंता मत करो, कमला भाई है ना सब संभाल लेगी। तो चलो निकलते हैं हम लोग। बाय दीदी, संभाल के जाना। हाँ अगर और दिन रुकना है तो रुक जाना, मेरी चिंता मत करना। बाय दीदी, आपकी बहुत याद आएगी। कुछ याद नहीं आएगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे मैं फ्री हूँ, बोल बोल क्या चल रहा है। कितना नरम है।
बड़ी प्यास लगी है हमें। नहीं, इसमें तो साहब जूस पीते हैं। इसमें भी तो जूस पीती हैं मैम साहब। ये तो पानी का ग्लास है। इसमें तो साहब वो बर्फ डाल के पीते हैं। मैं भी पीऊंगी। बर्फ डालते हैं बर्फ। ठंडी ठंडी हवा। चखना के लिए काले या ये ये लेती हूँ। कितना सुंदर है ये। इसको कैसे पहनेंगे? अरे अरे छोड़ो, हमसे ना होगा। इसको कैसे? क्या लग रही हूँ मैं? नजर ना लग जाए मुझे। मेकअप करती हूँ दीदी का इस्तेमाल। ये कौन सा रंग ले हम? कितना लाल लग रहे हैं। ये टूटना चाहे दीदी बहुत मारेंगी हमको। कितना अच्छी लग रही हूँ मैं। लिपस्टिक तो लगाए ही नहीं। ये किस तरह है? जमेगा। कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। मैंने कहा ना आ जा। हेलो कमला, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही। दीदी। हेलो दीदी, आप पहुंच गए? हाँ कमला सुनो, हम लोग की फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम लोग घर आ रहे हैं। और ना तुम खिचड़ी बना के जरा रख दो। कौन सी खिचड़ी दीदी? पालक की दाल? अरे कोई भी बना दो, इतनी रात को कुछ भी चलेगा। ठीक है दीदी। हे भगवान, छुट्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। नो 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 नो।